पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन की वजह से हमें आज़ादी मिलने वाला है पिता, और सच्ची आज़ादी का अनुभव हम करने वाले हमारे जीवन में, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपके वचन के लिए। होने दो कि आपके वचन से हमें शुद्ध कीजिए, हमें पवित्र पाक कीजिए, ताकि हम वो जीवन जिए जो यीशु मसीह जीते थे। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन। आपको पता है, किसको पता है कि इंडिया को, भारत को इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता कब, आज़ादी कब मिला, कौन से साल में? 15 अगस्त 1947। ठीक, तो भारत देश को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 पे मिला। जब इंडिया आज़ाद हुआ, तभी एक मंत्री ने एक कमांडर से, मेजर कमांडर से कहा कि अब तो देश को आज़ादी मिला है, अब तो आराम ही आराम होगा। कमांडर ने कहा मंत्री से, आपको लगता है अब आराम होगा, अब तो असली युद्ध और जंग शुरू होता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes. 1947 से लेके आज तक भारत देश ने तकरीबन 6 से 7 युद्ध, बड़े बड़े युद्ध लड़े 1947 से लेके आज तक। अगर आज़ादी मिला तो इतना युद्ध क्यों? हर रोज़ वहाँ पर सैनिक जो है, आर्मी मैन तैनात होते हैं, लड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, तैयार रहते हैं, हथियार उनके पास रहता है। क्यों? क्योंकि कभी भी जंग हो सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जंग ख़त्म हुआ। वापस से मैं बोल रहा हूँ, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि जंग ख़त्म हुआ, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आराम मिल गया। सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है। आपको पता है, जब एक आदमी स्मोक करता है, सिगरेट स्मोक करता है, दारू पीता है, लिवर सिरोसिस होता है या कैंसर होता है, वो बंदा 1 या 2 दिन में मरने वाला है। वो डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, डॉक्टर मैं मरने वाला हूँ, मुझे कैंसर है। तो डॉक्टर क्या कहता है? ठीक है, कोशिश करते हैं ऑपरेशन का, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो तुम बच जाओगे। वो बोलता है, ठीक है, अगर आप मुझे बचा सकते हो, मैं जीना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर ऑपरेशन करा देते हैं, और ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है कि वो आदमी का कैंसर वो लोग निकाल पाते हैं। तो आदमी एकदम खुश हो जाता है, आदमी का कैंसर निकल चुका है, और वो बोलता है, डॉक्टर धन्यवाद मुझे बचाने के लिए, मेरे जान को बचाने के लिए धन्यवाद। तो आदमी बच गया, सही बात है कि नहीं? है ना रोशनी, आदमी बच गया कि नहीं बच गया? गुड जॉब। आदमी जाता है, तुरंत अपने घर वालों को बताता है कि मैं बच गया, कैंसर खत्म हो गया मेरा। तुरंत बताते हैं, कैंसर खत्म हो गया, तुरंत बताते हैं, और घर वाले भी खुशी मनाते हैं, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। पर आदमी जाता है दुकान पर, पान टपरी पे सिगरेट लेता है, फिर से जलाता है। सही बात है कि नहीं? कैंसर होगा उसको वापस से? कैंसर होगा उसको वापस से? कैसा, क्यों? कैंसर तो निकाल दिया ना। अच्छा, फिर से सिगरेट नहीं पीना था, जिस वजह से वो कैंसर आया वो चीज नहीं करना था। तो ये आदमी को चौकन्ना रहना पड़ता था, उसको सावधान रहना पड़ता है कि मैं उस जगह पर ना जाऊं जिसके वजह से कैंसर लग सकती है मुझे वापस। सही बात है कि नहीं? ठीक है। एक आदमी अगर चोरी कर रहा है, चोरी कर करके जेल में चला जाता है, ठीक है, जेल में जाके बैठ जाता है, 5 साल तक 10 साल तक वो जेल में ही रहता है, और वो बोलता है, क्यों मैंने चोरी किया। जज फिर 10 साल के बाद कहता है, ठीक है, तुम आज़ाद हो, तुम भाग सकते हो, तुम जा सकते हो। वो आदमी चले जाता है, वो आदमी बाहर जाने के बाद कहता है, अब तो मैं आज़ाद हूँ, अब तो मुझे रिहाई मिला है। तो रिहाई मिलने के बाद क्या कहता है कि अब तो मैं फ्री हूँ, मैं वापस से चोरी कर सकता हूँ। तो वापस से वो जाता है चोरी करने के लिए। क्या पुलिस वापस से उसको पकड़ेंगे कि नहीं? पकड़ेंगे या छोड़ देंगे? पकड़ेंगे। नहीं, सजा काट लिया ना उसने, फिर से चोरी किया ना, तो उसको भुगतना पड़ेगा फिर से। समझ में आया कि नहीं आया? आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, आज़ादी का मतलब ये है कि आपको अब जागरूक रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, और सावधानी से अपना जीवन या जिंदगी बिताना पड़ेगा। Man, yes. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. सबसे पहला वचन हम देखेंगे गलेशियंस 5:1।
गैलेशियंस 5 गलातियों उसका पांचवा अध्याय उसका पहला वचन, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सब लोग बोलो स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। समझ में आया कि नहीं है? तो मसीह ने स्वतंत्र किया है, अब हम आराम कर सकते हैं। अब हमें क्रिस्ती होकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु ने हमें चुड़ाया है पापों से, यीशु ने हमें चुड़ाया शरापों से, यीशु ने हमें चुड़ाया गरीबी से, यीशु ने हमें चुड़ाया सब चीज़ों से, गंदगी से, सारे दुष्ट आत्माओं से चुड़ाया। अब हम आराम से बैठ के पैर फैला के बैठ सकते हैं। और फिर हम सोचते हैं, अरे बीमारी क्यों हुआ मुझे, अरे गरीबी में क्यों रह रहा, अरे इतना दुख तकलीफ मेरे जिंदगी में क्यों आ रहा है? क्योंकि यीशु ने जो आजादी दिया है उसे बरकरार रखने का जिम्मेदारी आपका है। Amen. आजादी मिलना आसान बात है, पर आजादी को बरकरार रखना ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है, ये मुश्किल बात होती है। कितने जन यहाँ पर अगर डाइटिंग कर दे है तो उनका पूरा बदन एकदम पतला हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे बाप मैंने डाइटिंग किया मेरा बॉडी एकदम ठीक हो गया। पर क्या वो हमेशा के लिए वैसे रहते? वापस खाने के बाद वो वापस से जाड़ा हो जाते या मोटे बन जाते, सही बात है कि नहीं? आपको हमेशा के लिए, कितने जन यहाँ पर है जिसने कहा कि मैंने दांत ब्रश किया एक बार बचपन में और फिर से कभी नहीं करता? रोज करना पड़ता है, क्यों? वरना दांत सड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। वैसे ही मसीह में आपके आज़ादी को रोज आपको सावधानी से उसे मेंटेन करना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है। इसलिए वचन में लिखा है, सावधान रहो, तुम कभी भी गिर सकते हो। टेक हीड टू योरसेल्फ्स लेस्ट एट एनी टाइम यू मे फॉल। यस, आप गिर सकते हो, गिरने का संभावना है। बी सोबर इन योर माइंड, अपने मन में। वी विल रीड दिस वर्सेस, 1 पीटर 1:13। दिस इज नॉट कंप्लीट। अच्छा ठीक है, रीड। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जूतो। दासत्व के जुए में फिर से, वो गरीबी में, वो बीमारी में, वो सब चीजों में वापस मत जाओ। कैसे नहीं जाओगे वापस? जब आप बरकरार रखोगे उस स्वतंत्रता को जो यीशु ने आपको दिया। Amen. या उस आजादी को कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, 1 पीटर 1:13। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 वचन। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, अपनी बुद्धि की कमर बांधो। आपके बुद्धि में भी कमर है, सब लोग है यहाँ पे? अपने बुद्धि की कमर बांधो आगे, और सचेत रहकर, सचेत, सब लोग बोलो सचेत। आप सो नहीं सकते हो, आप सुस्त नहीं हो सकते हो, आप दुनियादारी में मगन नहीं हो सकते हो। ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि शैतान वहां पर घूम रहा है आपको खाने के लिए, वो रुका है। देखिए, दो हिरन सामने से आ रहे, एक जाड़ा वाला और एक पतला वाला। शेर किसके पीछे भागेगा? जाड़ा वाला। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये जाड़ा है, ये खा खा के मोटा गया है, एकदम मोटा हो गया, ये भाग नहीं पाएगा। मेरे लिए आसान है, एक तो मुझे ज्यादा मिलेगा खाने के लिए और ये भागना भी नहीं पड़ेगा, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों वो जाड़ा हो गया? क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है। वो हिरन जो है वो शेर के लिए शिकार हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अगर बैठे हो मसीह में, बस आराम कर रहे हो, फरमा रहे हो, बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, प्रार्थना नहीं कर रहे हो, चर्च में नहीं आ रहे हो, आपको लग रहा है बस शैतान मुझे छोड़कर जाएगा, नहीं, नोच खाएगा वो, तबाह करेगा आपको, तबाही लाएगा आपके जिंदगी में। सावधान रहो, ठीक है? आगे पढ़ो। और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। एक अनुग्रह मिलने वाला है तुझे जब यीशु मसीह प्रकट होने वाले, तभी सचेत रहो। 1 पीटर 4:7 रीड। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बोलो, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। ये जो घर आप देख रहे हो, ये जो गाड़ी, ये जो पूरा दुनिया देख रहे हो, ये सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। पूरा दुनिया ये जलने वाला है आग से, वचन में लिखा है। yes. आग से जलेगा। आपको पता है बड़े बड़े ऊपर से ग्रह पृथ्वी पर गिर रहे, अगर एक ग्रह गलती से पानी पे गिर रहा, आपको पता है कितना मील दूर पानी ऊपर चढ़ेगा, मतलब लहर आएगा? कितना मील दूर? तकरीबन 6 से 7 मील दूर ऊपर पानी का लहर उठेगा, मतलब सबसे बड़े बिल्डिंग भी पानी के नीचे आ जाएंगे।
और हम लोग कहाँ पर रहते, तीसरे माले पे, पहले माले पे, जमीन पे, हमारा क्या होगा? तभी सोचो, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए आपको क्या करना है? पढ़ो आगे। इसलिए संयमी होकर, संयमी, सब लोग बोलो संयमी, होश में आ जाओ, होश में आ जाओ, मदहोश मत होना, सोते मत रहना, संयमी होकर। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो, प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, सब लोग बोलो प्रार्थना करते हुए सचेत रहो। दिन भर आपका मुंह बंद नहीं होना चाहिए, अन्य भाषा में बातें करना चाहिए, क्योंकि अंत कभी भी आ सकता है, कभी भी ये सब खत्म हो सकता है। 1 पीटर 5:8, पहला पत्रस 5वां अध्याय, उसका 8वां वचन, एक सेकंड, सचेत हो और जागते रहो। सब लोग बोलो सचेत रहो, सचेत रहो और जागते रहो। ये नए नियम में है, पत्रस कह रहा है। जो पत्रस सो रहा था जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने अपना सबक सीख लिया था और कहा कि देखो मैंने तो गलती किया था, मैं सो रहा था जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कौन सा घड़ी आ रहा है, मुझे नहीं पता था कि यीशु मसीह को क्रूस पर डालने वाले, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा आफत आने वाला है। तुम सचेत रहो और तुम प्रार्थना में बने रहो। आगे, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। एक बात कहो, आपको पता है परमेश्वर कभी सोता नहीं है? यस। आपको पता है शैतान भी सोता नहीं है? यस। कितने जनों को लगता है शैतान सोता है? स्वर्गदूतों को सोने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yeah. शैतान भी नहीं सोचता है, सोता है। तो जब आप सो रहे हो, कौन घूम रहा है आपके इर्द-गिर्द में? मूवीज देख के, दुनियादारी के गाने देख के, न्यूज देख के जब आप सो जाते हो, कौन आपके दिमाग में गंदे गंदे सपने डालता है तभी? यस yes. कौन डालता है? शैतान। क्योंकि वो घूम रहा है, वो देख रहा है कि ये वचन पढ़ के, ये प्रार्थना करके नहीं सो रही है, तो गंदे गंदे सपने डाल दो इसके दिमाग में, गंदे गंदे डरावने सपने डाल दो, डरावनी चीजें डाल दो, और इसको पूरे तरीके से। एक चीज मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपके पास 86,400 कितना होता है, 86,400 रुपए हर दिन आपके अकाउंट में आता है, 86,400 रुपए हर दिन आपके अकाउंट में आता है, और कोई आपसे 10 रुपया चोरी करके चला जाता है, क्या पूरा 86,400 रुपए दे दोगे उनको? अगर 10 रुपया चोरी करके चला जाता है, क्यों? क्यों बताओ ना, समझदार लोगों से बात कर रहा हूँ, क्यों? फटफट बताओ। 10 रुपया गया, गया, अभी जो बाकी बचा है उसको बचाना पड़ेगा ना। 10 रुपया गया तो गया, बाकी सब। जब लोग आपको इरिटेट करते हैं, आपको पता है आपके जीवन में आपको दिन में 86,400 सेकंड मिलता है। वाह। एक दिन में अगर 10 सेकंड भी कोई आके आपका मूड खराब कर देता है, पूरा का पूरा दिन आपका बर्बाद होता है। बाकी सब सेकंड संभालो, बाकी सब दिन संभालो, प्रभु में वापस से आनंदित हो जाओ। 10 सेकंड आपका, 60 सेकंड आपका, 70 सेकंड आपका कोई लेकर चला जाता है और आप पूरा दिन खराब कर देते हो। नहीं, सुबह सुबह आके मेरा मूड खराब कर दिया उसने, तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। इतना ताकत और सामर्थ उस बंदे के पास है आपका मूड खराब करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुरंत उस कचरे को छोड़ देने का वही के वही, और वापस से प्रभु में आनंदित होने का, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो ढूंढ रहा है किसको फाड़ खाए, किसका समय बर्बाद करे। और अगर आप वो डिप्रेशन में बैठोगे, वो सोचोगे कि इसने मेरे साथ क्या किया, वो आपका समय बर्बाद करेगा पूरा दिन भर। इसलिए झगड़ा मत करो सुबह, और जो कोई झगड़ा करता है छोड़ दो उन बंदे को और निकलो वहां से, वहां पर बैठे मत रहना झगड़ा करते हुए। देखिए, एक सुअर के साथ अगर आप झगड़ा करोगे, सुअर को मजा आएगा गटर में खेलने के लिए, पर आप गंदे हो जाओगे। आप अपना शांति बनाए रखना, आप निकलो वहां से बस, और वचन में वापस से बने रहो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझदारी इसी में है कि आप वो झगड़े में मत पड़ो, अपना मुंह मत खोलो। यस आमेन। क्योंकि शैतान रुका है कि आपके अंदर से सब पूरा आपका विश्वास, पूरा आपका सब कुछ निकालने के लिए, और पूरा दिन आप उसके बाद बाइबल नहीं पढ़ सकते हो, आप प्रार्थना नहीं कर सकते हो। निकलो, निकलो झगड़े से, निकलो, झगड़ा मत करो, ठीक है? Ephesians 6:10, इफिशियो 6वां अध्याय, उसका 10वां वचन, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो, सब लोग बोलो बलवंत बनो, बनो। सब लोग बोलो, मुझे अगर यीशु मसीह बलवंत है, करेक्ट, सही बात है। अगर यीशु मसीह ने मुझे आजादी दिया है,
हाँ दिया है कि नहीं दिया है? मुझे बलवंत होने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? यीशु मसीह मुझे क्यों कह रहे तू बलवंत हो जा? क्योंकि मुझे सामना करना है दुनिया का, मुझे सामना करना है शैतान का, मुझे बलवंत होना पड़ेगा, क्योंकि आजादी तो मिला है पर आजादी को बरकरार रखने का जिम्मेदारी मेरा है। सब लोग बोलो बलवंत हो जाओ। बलवंत हो जाओ। कमजोर होने का समय नहीं है अब, हम योद्धा है, योद्धा। सब लोग बोलो योद्धा है। कमजोर होने का समय बिल्कुल भी नहीं। 1 Corinthians 16:13, पहला कुरिन्थ 16:13। थैंक यू फादर। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 13 वचन, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। जागते रहो, सब लोग बोलो जागते रहो। हम तो वचन में ही नहीं जाग सकते हैं, बाकी ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? वॉची, व्हाट इज इट? जागते रहो, सब लोग बोलो जागते रहो। आपको जब नींद आ रहा है, अगर वचन कह रहा है जागते रहो, सुनो सुनो गौर से, अगर वचन कह रहा है जागते रहो और आपको नींद आ रहा है, कौन आपको सुला रहा है? कौन आपको सुला रहा है? क्योंकि उनको मालूम है आप जागते रहोगे तो आप वचन में रहोगे, और वचन में रहोगे तो मजबूत बनोगे। देखिए देखिए, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप जागते हो, क्योंकि आप टेंशन में हो, क्योंकि आप किसी गंदगी के बारे में सोच रहे हो। कितने जनों के रातों का नींद खराब हो जाता है सिर्फ गंदगी के बारे में सोच सोच के, अरे रातों को नींद। कितने जन रातों को नींद नहीं आ रहे क्योंकि वचन के बारे में सोच रहे? मुझे रातों को नींद नहीं आता क्योंकि मैं वचन के बारे में सोचता कि प्रीच क्या करूंगा। सच में मुझे नींद नहीं आता, मेरा नींद भाग जाता है और वचन कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में चलता रहता है। ये मेरे साथ होता है, दूसरे लोगों के साथ ये होता है कि कचरा के बारे में सोच रहे इसलिए रातों में नींद ही नहीं आता इन लोगों को। ऐसा कैसा? जागते रहो, अगर वचन कह रहा है मतलब जब नींद आ रहा है मुझे बाइबल पढ़ते वक्त, चर्च में बैठे और प्रार्थना करते वक्त, मतलब वो शैतान मुझे सुला रहा है। अगर मैं उसका बात सुनूंगा मतलब मैं मुझे वो खा जाएगा। yes. वो मुझे खा जाएगा। सब लोग बोलो मुझे खा जाएगा। मुझे जागते रहना है, जागते रहना है। और आगे जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, विश्वास में स्थिर रहो। सब लोग बोलो विश्वास में स्थिर रहो। कुछ भी आफत आए तुरंत हम हिल जाते हैं नहीं। जब आपको पता है आर्मी जो है बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, अगर दुश्मन उनके सामने आ रहा है, कोई भी आर्मी या कोई भी सेना वहां से पीछे नहीं हटता है, वो आगे ही बढ़ते हैं, वो अपने पोस्ट को नहीं छोड़ते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई नहीं कहता है कि अरे नहीं मुझे मरना नहीं है, चल बंदूक छोड़ के निकल। कोई भी नहीं करता है वो, क्योंकि इनको मालूम है मैं आर्मी में हूं, यही मेरा कर्तव्य है कि इस पोस्ट को, ये झंडे को मुझे यहां से निकालना नहीं है, क्योंकि दुश्मन आके अपना झंडा यहां पर डालेगा। अगर मैं अपने अमीरी का वचन नहीं बोलूंगा तो शैतान मेरा पैसा लेके भागेगा, अगर मैं चंगाई का वचन नहीं बोलूंगा शैतान मेरा तबियत लेके भागेगा, मुझसे चोरी करके भागेगा। और वो आज चोरी करके, हमसे अपना चोरी करके अपने लोगों को दे रहा है, और हम यहां पर बीमार पड़े हैं, हम यहां पर गरीब पड़े हैं, हमारा पैसा है उनके पास, बाकी सबके पास, ये पूरा धन दौलत, ये पूरा दुनिया हमारा है, और ये लोग मजे कर रहे हैं वहां पे, और हम पैसा दे पैसा दे, पैसा दो ना, पैसा दो ना, 10 रुपया दो, ये दो। क्यों? क्योंकि शैतान लेकर मजे कर रहे हैं हमारे चीजों के साथ, क्योंकि हम सोए थे, आज तक हम सोए थे, पर आज हम विश्वास में झंडा गाड़ेंगे। सब लोग बोलो झंडा गाड़ो, विश्वास का झंडा गाड़ो। ए शैतान ये मेरा प्रॉपर्टी है, ए शैतान ये मेरा है, ए शैतान तू निकल यहाँ से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे नेक्स्ट, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो का मतलब क्या है? मतलब है पुरुषार्थ करो मतलब आदमी बनो। सब लोग बोलो आदमी बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और आगे बलवंत हो, बलवंत हो जाओ। सब लोग बोलो बलवंत हो जाओ। चलो 2 Timothy 2:1, दूसरा तिमोथी 2:1, दूसरा अध्याय पहला वचन, इसलिए हे मेरे पुत्र, पुत्र हे मेरे पुत्र क्या तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। बलवंत हो जाओ। सब लोग बोलो बलवंत हो जाओ। कैसे बलवंत हो सकते हो आप? वचन से। गुड जॉब। वचन से, प्रार्थना से, वचन से, चर्च आने से आप बलवंत होते जाते हो। ये आपका जिम है, और जिम आपको एक ही बार आना है पूरे हफ्ते में। जिम सबको पता है, जिम व्यायामशाला, व्यायामशाला सबको पता है। yes. हफ्ते में एक ही बार आना है और आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहोगे। yeah. हर रोज आपको सप्लीमेंट लेना पड़ा है, हर रोज आपको क्या बोल
वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना है, ये इससे आप शक्तिमान बनोगे। सलो बोलो शक्तिमान, 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 शक्तिमान। आमीन। आगे पढ़ो वर्स सेकंड तिमोथी वर्स 2 दूसरा वचन, और जो बातें तूने बहुत बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। अभी पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है, पौलुस कह रहा है कि मैं जो बातें तुमको कहता हूँ वो दूसरों को भी कहना और उनको बताना, किसी और को भी सिखाना, ठीक है। अब तीन वो उदाहरण देने वाले, जैसे आप बलवंत हो जाए, तीन उदाहरण देने वाले कि आपको तैनात कैसा रहना है, आपको सतर्क कैसा रहना है, आपको सावधानी कैसा परखना है। तीन तीन उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण वर्स 4 वर्स 3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। मसीह के योद्धा, अच्छे योद्धा, सब लोग बोलो अच्छे योद्धा, अच्छे योद्धा। आपको पता है अच्छे योद्धा कौन होता है? युद्ध खत्म हो गया, वो अपना बुलेट लेता है, गन लेता है, नीचे रख देता है, नाचता है, कपड़े बदल देता है, अपना घर जाता है। अच्छी योद्धा है क्या? युद्ध खत्म होता है, आपको पता है कभी भी सैनिक के बंदूक से गोली कभी भी खाली नहीं रहता है उनका बंदूक। क्यों? युद्ध खत्म हो गया भाई, कोई नहीं है, बैठो ना आराम से, चाय पियो, मस्त इंजॉय करो। क्यों? कभी भी हमला हो सकता है, वो हमेशा तैनात रहते हैं। उनको पता है कि अगर जंग खत्म हो गया है दूसरे जंग के आने की संभावना है। हम लोग क्रिस्ती होकर ऐसे ही बैठ जाते हैं बस, और फिर एक थपक करके जंग आ जाता है और हम बोलते हैं अरे ये कहां से आ गया भाई, हम तैयार ही नहीं थे, और वचन 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 में बैठना पड़ेगा, प्रार्थना, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु प्लीज मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी बैठते प्रार्थना में, तभी बैठते वचन में, और तभी बोलते किसी को प्रार्थना करो हमारे लिए, बचाओ भाई बचाओ हमको, जंग चार नहीं। एक सोल्जर जो है, सोल्जर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्या सैनिक, एक सैनिक जो है लगातार तैनात रहता है, लगातार तैयारी में रहता है। किसी भी सोल्जर का चैलेंज के साथ मैं आपको कहता हूँ, किसी भी सोल्जर का सोल्जर का बॉडी जो है, जो युद्ध लड़ता है, वो कभी भी उसका पेट भार नहीं रहेगा। किसी ने देखा पेट भार सोल्जर? क्यों? बैठ के खाते नहीं है वो लोग, उनके पास उतना टाइम नहीं है, सुबह 4 बजे उठते हैं, कम सोते हैं वो लोग, दिन भर वो लोग ट्रेनिंग में रहते हैं। अगर युद्ध खत्म हो गया तो ट्रेनिंग चालू है, अगर ट्रेनिंग खत्म हो गया तो युद्ध युद्ध ट्रेनिंग ट्रेनिंग युद्ध, ये चलता रहता उनका जिंदगी भर। आपको किसने कहा थी आप आराम कर सकते हो, आप बाइबल छोड़ सकते हो, आप प्रार्थना छोड़ सकते हो और आपका जीवन अच्छा ही रहेगा? नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वतंत्रता दिया है ताकि आप स्वतंत्रता को बरकरार रखो। सब लोग बोलो बरकरार रखो। आगे नेक्स्ट, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। एक मिनट, योद्धा जब भी लड़ाई करने के लिए जाता है वो किसको प्रसन्न करने के लिए रहता है? अपने भर्ती किसको किसको सब लोग बोलो किसको अपने भर्ती भर्ती करने वाले को। यहाँ पर लिखा है अपने पत्नी को, पति को, बच्चे को। तो आप किसको प्रसन्न कर रहे हो? बॉस को। किसको प्रसन्न करते बैठे हो? आपको किसको, आपको किसने भर्ती किया आर्मी में? तो किसको प्रसन्न करना है आपको? मेरे पति नाराज हो गए, मेरे पत्नी नाराज हो गए, तो क्या परमेश्वर नाराज हो गए क्या? अगर परमेश्वर नाराज हो गए तो डरो, पति के नाराज होने से और पत्नी के नाराज होने से डरो मत, अगर आप परमेश्वर के राह पर चल रहे हो तो। अगर आप बेवकूफी कर रहे हो तो डरो, ध्यान देना, अगर आप बेवकूफी कर रहे हो तो डरो, वरना किसी से मत डरना। यहाँ पर भर्ती किया आपको यीशु मसीह ने, यीशु मसीह को खुश करने का जिम्मेदारी आपका है, इसलिए दुनियादारी में मगन मत रहना, मगन मत रहना, क्योंकि आप बर्बाद हो जाओगे। मैं कह रहा हूं आपसे, आप बर्बाद हो जाओगे, आप कभी खुश नहीं रहोगे, आपके जिंदगी में हमेशा तनाव और सताव ही रहेगा। मुझे बनाया गया है ताकि मैं युद्ध लड़ूं और मैं बरकरार रखूं उस स्वतंत्रता को, जो स्वतंत्रता मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया है, इसलिए मैं सिर्फ यीशु मसीह को खुश करने के लिए जीऊंगा। आमीन। बस मुझे और किसी से फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम खुश रहो कि ना रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, आगे पांचवा वचन, पांचवा वचन, अब एक दूसरा वो एग्जांपल दे रहा है, पांचवा वचन, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। मतलब ये एक एथलीट है, एथलीट को क्या कहते हैं हिंदी में? कुश्ती लड़ने वाला,
एथलीट ओलंपिक्स मालूम है, ओलंपिक्स में लोग भाग रहे वगैरह, हाँ, जीतने के बाद कितने ओलंपिक में जो भाग रहे हैं वो मस्त खाना खा के मस्त मोटा हो जाते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं। आपको पता है वो जो उसेन बोल्ट है, आपको पता है उसेन बोल्ट कौन है? कौन है उसेन बोल्ट? खिलाड़ी, एक खिलाड़ी है जो भागता है और दुनिया का सबसे तेज भागता है, सबसे तेज भागता है, 100 मीटर शायद से 4 सेकंड में या कुछ ऐसा कंप्लीट करता है वो, 4 सेकंड या 6-8 सेकंड, 6 सेकंड कुछ ऐसा, 100 मीटर ऐसा भागता है, मतलब निकल जाता है, लोग देख ही नहीं सकते कहाँ गया वो, ऐसा निकल जाता है। वो कहता है 4 सेकंड भागने के लिए, 6 सेकंड भागने के लिए मैं 4 साल तक ट्रेनिंग करता हूँ। कितने साल तक? 4 साल तक ट्रेनिंग सिर्फ 6 सेकंड भागने के लिए। 4 साल तक लगातार दिन रात वो ट्रेनिंग करता है, वो देखता है कि क्या खा रहा है, वो बहुत कम खाता है, वो पानी ज्यादा पीता है, वो फ्लूइड ज्यादा पीता है, और कहता है कि 4 साल लगातार दिन रात सिर्फ ये 6 सेकंड भागने के लिए मैं करता हूं। और हम क्या कर रहे हम अपना क्रिश्चियन जीवन कैसे जीते? एक विक्ट्री के बाद जब आपको लगता है सब शांत है, हम छोड़ देते हैं बाइबल, छोड़ देते हैं, हम टाइम पास करने में अपना मजा करते हैं, रिश्तेदारों में मजा करते हैं, सब करते हैं, बस छोड़ दो बाइबल, छोड़ दो प्रार्थना, जब आफत आती है तभी वापस से प्रार्थना, वापस से। एक योद्धा जो है जब युद्ध खत्म होता है दूसरे युद्ध का तैयारी करता है, एक एथलीट जो है, एक भागने वाला जो है, जब एक दौड़ खत्म होता है दूसरा दौड़ का तैयारी करता है। एंड द नेक्स्ट वन वर्स 6, जो गृहस्थ परिश्रम करता है, जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो किसान, सब लोग बोलो किसान, सब लोग बोलो, पहला योद्धा, फिर खिलाड़ी और किसान, योद्धा, खिलाड़ी, किसान, इनमें से कौन है जो हार्वेस्ट के बाद, एक किसान जो है जब उसका कटनी हो जाता है तभी छोड़ देता है, फसल छोड़ देता है, उसको मालूम है कि अगले साल की तैयारी अब से करना पड़ेगा, हाँ या ना? वो चौकन्ना रहता है ना, या वो छोड़ देता है, अरे कुछ भी उगाने दो, अरे कुछ भी यार जाने दो, मेरा मेरा खेत है, जाने दो, आ जाएगा फसल, आ जाएगा अगले साल, ऐसा पॉसिबल है क्या? तुरंत वो तैयारी करता है अगले फसल का, सही बात है कि नहीं? वैसे ही आपको तैयारी करना है हर दिन। यीशु मसीह ने स्वतंत्रता दिया है आपको, आजादी दिया है आपको, और चले गए, और पवित्र आत्मा दिया है आपके साथ, अब आपको हर दिन चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधानी से आपको हर दिन अपना स्वतंत्रता पे काम करना पड़ेगा। बाइबल में एक कहानी है, पहला समयल खोलने की जरूरत नहीं है, दूसरा समयल उसका 11वें अध्याय पहला वचन, 11वें अध्याय पहले वचन में, दूसरा समयल 11वें अध्याय पहले वचन में लिखा है, जब समय था राजाओं का कि वो युद्ध लड़े, एक राजा घर पे बैठा था और सो रहा था, जिसका नाम था दाऊद राजा, जिसका नाम था दाऊद। समय था वो कि सारे राजा जो है युद्ध लड़े, पर दाऊद को इतना विक्ट्री मिला, इतना उनको जीत मिला कि उन्होंने कहा मेरे सारे सोल्जर्स जाएंगे, सैनिक जाएंगे, आज मैं थोड़ा आराम करता हूँ। ठीक है भाई, तुमने इतना युद्ध लड़े तो तुम्हारा हक भी बनता है कि आराम करे, पर वो समय था युद्ध लड़ने का, आराम करने का नहीं। तो दाऊद आराम किया, दोपहर का नींद लिया और शाम को उठ के छत पे टहलने के लिए गया। जब वो टहलने के लिए गया तो उन्होंने देखा नीचे करके कि एक स्त्री वहां पे, सुंदर स्त्री नहा रही थी, क्या कर रही थी? तो उनको मोह आ गया, वो मोह में गिर गया और उन्होंने भेजा अपने सेवकों को कि उस स्त्री को लाओ मेरे पास, मुझे उस स्त्री को जानना है, मतलब रिश्ता रखना है उस स्त्री के साथ। रिश्ता रखे, उस स्त्री को घर पे भेज दिए। बाद में स्त्री ने भेजा उनको, किसी की पत्नी थी वो, किसी की पत्नी थी जिसका नाम था बैतशीबा, वो स्त्री ने उनको भेज दिया कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में बच्चा है। तो दाऊद डर गया, गर्भवती है, करेक्ट? हाँ, उरिया, उरिया उसका पति का नाम उरिया था, ठीक है। तो ये स्त्री ने भेजा दाऊद को कि मैं गर्भवती हूं, दाऊद डर गया क्योंकि सबको पता चलेगा कि मैंने मेरे ही सैनिक के पत्नी के साथ रिश्ता रखा, तो सब लोग मुझे निंदा करेंगे, मेरी निंदा करेंगे। तो उन्होंने यूरिया को, जो यूरिया था, उसको बुलाया वापस उस आदमी को और बोला जा तेरे पत्नी के साथ जा, रह ले पत्नी के साथ रह ले।
पर ये बंदे ने कहा, नहीं, जब युद्ध चल रहा है मैं अपने पत्नी के साथ कैसे रह सकता हूँ। तो एक रात रहा, दो रात रहा, तीन रात राजा के दरबार पे ही बाहर सोया, वो घर नहीं गया। दाऊद उसको शराब पिलाने की कोशिश किया, सब कुछ पिलाने की कोशिश किया, फिर भी वो घर नहीं गया। फिर बाद में दाऊद ने कहा, ठीक है इसको मरवाना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो निंदा होने वाला है वरना। तो उन्होंने उसके हाथ से ही अपने कमांडर को भेजा कि ये बंदे को जहां पर युद्ध बहुत बहुत ज्यादा युद्ध है, इसको वहां पर रखो ताकि ये मर जाए। और वो कमांडर ने इसको रखा वहां पे और ये यूरिया मर गया, ये पति मर गया। और फिर दाऊद ने उस पत्नी को लिया अंदर अपने साथ रखे। पहला राजा उसका 15:5 पढ़ो। थैंक यू फादर। पहला राजा पंद्रह अध्याय उसका पांचवा वचन। क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। दाऊद के बारे में दाऊद के बारे में उसका चरित्र लिखा जा रहा है। एक ऐसा राजा दाऊद, ठीक है, सब लोग है मेरे साथ, ध्यान देना यहाँ पे। दाऊद के बारे में उसका चरित्र लिख रहे थे और दाऊद के बारे में इतना ब्यूटीफुल उन्होंने कहा, यहाँ पे बहुत खूबसूरत उन्होंने कहा कि दाऊद राजा जो है, क्योंकि दाऊद वो किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। वाओ, दाऊद वो किया करता था जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था। ब्यूटीफुल, इतना महान राजा जो यहोवा के दृष्टि में सब करता था जो यहोवा चाहता था। ब्यूटीफुल, आगे वो हित्ती यूरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। किसी भी बात का, किसी भी आज्ञा का कभी उन्होंने उल्लंघन नहीं किया। सिर्फ एक दाग। इतना महान राजा, इतना प्रभावशाली राजा, ये राजा के जैसा और कोई नहीं था। लिखा है बाइबल कि ये राजा जो है परमेश्वर के हृदय के करीब वाला राजा था। एक दाग इसके जिंदगी में, इसका पूरा चरित्र खराब वापस से वो एक दाग के वजह से। कि बस एक गलती उसने किया कि यूरिया हित्ती के बीवी के साथ वो सोया। क्यों सोया वो? क्योंकि वो नहा रही थी बाहर। क्यों नहा रही थी बाहर? क्योंकि ये छत पे घूम रहा था। क्यों ये छत पे घूम रहा था? क्योंकि ये सोया था। क्यों ये सोया था? क्योंकि ये युद्ध लड़ने के लिए नहीं गया। वो बोला, चलेगा आज अगर मैं युद्ध नहीं लड़ा, चलेगा आज अगर मैं प्रार्थना नहीं किया, चलेगा आज की अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ा, चलेगा आज की अगर मैं चर्च नहीं गया, चलेगा। और दाग लग गया उसके जिंदगी में। चलेगा वाला जीवन जीना है, शैतान आपको नोच के खत्म कर देगा, खा जाएगा और तबाही मचा देगा आपके जिंदगी में। बिना वचन का, बिना प्रार्थना का, बिना चर्च आने का चलेगा 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 जियोगे तो दाऊद के जैसा आपका जिंदगी बर्बाद होगा। एक दाग लग जाएगा आपके जिंदगी में। पर बाइबल कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मा तैयार है और शरीर निर्बल है। सब लोग बोलो, यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र किया ताकि मैं स्वतंत्र जीवन को बरकरार रखूं, ताकि मैं स्वतंत्र जीवन को मैं बलवान बनते रहूं। वचन में बलवान, प्रार्थना में बलवान, अंगीकार में बलवान, चर्च आने में बलवान और शैतान के सामने खड़े होने में बलवान। मैं विश्वास में मजबूत बनता रहूंगा, मैं अनुग्रह में बढ़ता रहूंगा और मैं अपना पद कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सारा जो चीज शैतान ने मुझसे लिया, मैं सारा वो चीज जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं वापस लूंगा शैतान से, वापस लेती हूँ यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैं एक योद्धा हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक किसान हूँ। अंत में यीशु ने कहा लोगों से, कब तक तुम, यशुआ 18:3, कब तक तुम, शैल आई रीड, या रीड, यशुआ यहोशू उसका 18:3 तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है। सब लोग बोलो, दिया है। चंगाई तुमको दिया है, धन दौलत तुमको दिया है, सब कुछ तुमको दिया है, शांति तुमको दिया है, उन्नति तुमको दिया है, आनंद तुमको दिया है, कब तक तुम
उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? ढिलाई, सब लोग बोलो ढिलाई। ढिलाई मैं बोल रहा हूँ ना, भोजपुरी वाले नहीं ट्रांसलेट। ढिलाई, सब लोग बोलो ढिलाई। ढीला नहीं होना है, सब लोग बोलो ढीला नहीं होना है। ढीला का जो शब्द है यहाँ पे इब्रानी में स्लैक, स्लैक का मतलब ये है कब तक तुम चुप बैठोगे, कब तक तुम चुप बैठोगे, कब तक तुम उस चीज को नहीं लोगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। अब समय आ चुका है बलवान होने का, अब समय आ चुका है वो चीज को लेने का, वो स्वतंत्रता को अनुभव करने का जो यीशु मसीह ने आपको दिया। ढिलाई छोड़ो, सब लोग बोलो ढिलाई छोड़ो। ढिलाई छोड़ो, सिलाई शुरू करो। ठीक है, पिता परमेश्वर धन्यवाद देते आज के वचन के लिए, आपने हमसे बातें किया है और आपने हमें वो स्वतंत्रता दिया है, वो आज़ादी दिया है ताकि हम आज़ादी में जीते रहे। धन्यवाद पिता कि हम योद्धा है, धन्यवाद पिता कि हम खिलाड़ी है, धन्यवाद पिता कि हम किसान है। एक एक जंग लड़ने के बाद हम दूसरे जंग की तैयारी करते रहते हैं पिता, क्योंकि हमको मालूम है कि बहुत क्षेत्र अभी बाकी है जो हमको यीशु के लिए लेना है, और हम कमज़ोर या ढिलाई नहीं करेंगे पिता, पर हम बलवान होते जाएंगे। धन्यवाद पिता आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन स्वीकार कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइक, गॉड ब्लेस यू। शलोम।